से थोड़ी सरकार आ जाएगी। देखिए, चुनाव के पहले पार्टियां वचन देती हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन वायदे कितने पूरे होते हैं इस पर सवाल तो कई बार खड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि इसके पहले यही दल जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम में शामिल रही है, तो अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जो कि खुद उजियारपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। नित्यानंद राय जी, आज तेजस्वी यादव ने घोषणा किया 24 जन वचन, और उन्होंने कई लुभावने वायदे किए कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 30 लाख रिक्त है, 70 लाख का सृजन करेंगे, फिर 1 लाख का पेंशन देंगे, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनावी जुमला है या सच में कुछ करेंगे? RJD का घोषणा पत्र आज तेजस्वी जी जारी किए हैं परिवर्तन पत्र कहकर, वह परिवर्तन पत्र नहीं, परिवार संवर्धन संकल्प पत्र है। और एक वचन देने की बात तो है ही नहीं, वचन तो देने वाले इस भारत में एक ही है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, और जो वचन देते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते भी हैं। 10 वर्षों में देश ने, दुनिया ने और बिहार ने देखा है, तो जो भी बात बोल रहे हैं सारे बातों में कोई दम नहीं है भ्रम फैलाने के लिए बोल रहे हैं। 15 वर्षों तक RJD को, लालू जी के परिवार को बिहार की सत्ता में रहने का मौका मिला, कुछ नहीं किए। किए क्या? अपहरण का उद्योग लगवा दिए, सड़कें नहीं बनी गांव में, बिजली शहर में बिजली नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं। क्या किया उन्होंने? सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, इसलिए उनके वादों पर किसी को भरोसा नहीं है। और जो चीज़ें वह बोल रहे हैं वह केंद्र की सरकार दे सकती है, और केंद्र की सरकार कभी नहीं बना पाएंगे तेजस्वी जी या उनके साथ रहने वाले लोग। इस देश की जनता ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है, तो सवाल ही कहाँ उठता है? वो जानते हैं कि हमको सरकार में आनी नहीं है, इसलिए जो बोलना है बोल दो, जो वादे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार में परिणाम क्या होगा 40 लोकसभा सीट में? 40 की 40 सीटें NDA के झोली में जाएगी, और 400 पार जो NDA करेगी इस देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है, वह घोषणा उनकी घोषणा नहीं, इस देश की जनता की घोषणा है। 400 पार में 40 सीट बिहार की होगी, NDA 40 की 40 जीतेगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना सरकार में रहे तो उन्होंने नौकरियां दी, और JDU BJP कहती है कि जब NDA सरकार आई थी 2020 में तो नौकरियों का सृजन उन्होंने किया था, ये तेजस्वी सरकार की देन नहीं है, तेजस्वी का कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जब सरकार नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी की बनी थी तो उसके पहले NDA की सरकार ने इस प्रकार की नौकरियों का आधारशिला रखा। और जिस 17 महीने की बात कर रहे हो, 17 महीने में सरकार किसकी थी? नीतीश जी की थी। नीतीश जी ने नौकरी दिया है, या तो 6 बड़े विभागों को लेकर उसके मलाई खाने से इनको फुर्सत ही नहीं थी, तो जो नौकरी 17 महीनों में दी गई वह नीतीश जी दिए, और उसकी बुनियाद पहले NDA की सरकार ने डाली थी। कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट 72 टाइम्स, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स टुगेदर, दे हैव नॉट विजिटेड नॉर्थ ईस्ट एज मच एज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए मोदी जी ने इसको अष्ट लक्ष्मी कहा और अष्ट आधार कहा। वो अष्ट आधार क्या है? व्हाट आर दैट 8 प्रोग्रेस सिंबल्स? नंबर 1 इज पीस, शांति। नंबर 2 इज पावर जनरेशन। नंबर 3 इज टूरिज्म। नंबर 4 इज 5G कनेक्टिविटी।
Number six is culture, development of culture and culture ko sambhal ke rakhna, preservation of culture, traditions and natural farming and sports and enhancement of potential. ये आठ चीजों के आधार पर नॉर्थ ईस्ट को विकास करने का काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 11 पीस अकॉर्ड्स हुए हैं, 11 पीस अकॉर्ड्स, और 11 पीस अकॉर्ड्स के कारण आज इंसर्जेंसी 9,500 इंसर्जेंट्स हैव सरेंडर्ड, 9,500 इंसर्जेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इफ आई टॉक अबाउट द रिडक्शन इन इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स, इट इज 71% and 60% reduction is in the insurgent attacks on the security forces, and 82% of insurgency reduction is there, insurgent attacks are there on the civilian population of Nagaland and Northeast. That we have to understand kitna hai, 82% ka reduction ho gaya hai. Aur aapko malum hai, framework agreement 3 august 2015 ko hua tha और 17 नवंबर 2017 को एग्रीड पोजीशन और प्रोटेक्शन की बात हुई थी। रियो साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको अश्योर करता हूं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और फिर से रियल टाइम इसका एकॉर्ड को आगे बढ़ाया करके। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त आप सुन रहे थे, नागालैंड से जेपी नड्डा को इस वक्त आप सुन रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर जमकर बरसे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले कैसे माफिया गठन का हाल होते थे, लेकिन अब या तो वो जेल में है या जहन्नुम में है। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और बड़ा हमला इस वक्त विपक्ष पर बोला है सीएम योगी ने, क्या कहा सुनिए जरा। संकट उन्हीं के लिए है जो दुराचारी है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा था, संकट उसके लिए है। अब आप देखते होंगे हम लोगों ने तो एक ही बात कही है यूपी में, भाई देखो अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं बनने वाली। तय कर लो कहां जाना है। और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त, 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब तो कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ। पहले बमबाजी होती थी 17 के पहले, आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्री निकलता है। और